हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। हाजिर हूँ आपके सामने दिन की दूसरी वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे WWE की कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, आपके लिए रॉ और स्मैकडाउन हिंदी में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूं। उसके बाद भी लाइक्स में कंजूसी करते हो तो दिल खोल दो और लाइक्स कर दो इस वीडियो को। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। इस वीडियो में सबसे पहले कवर करूंगा रॉ ऑफ एयर होने के बाद क्या हुआ, ब्रॉक लेसनर कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट वीक रॉ में नजर आएंगे द मेज, क्यों नहीं थे आज की रॉ में एंजो अमोरे, और रॉयल रंबल के लिए जरूरी अनाउंसमेंट। फर्स्ट अपडेट आज हुई रॉ में कर्ट एंगल के द्वारा और रॉ के सुपरस्टार के द्वारा रॉयल रंबल की एंट्री का ऐलान सुनने को मिला, जिसमें 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की भी एंट्री फिक्स हो चुकी है। और कुछ टाइम बाद इस शो में बैक स्टेज फिन बैलर ने भी ऐलान करा कि वो भी रॉयल रंबल में एंट्री मारेंगे। धीरे धीरे नाम सामने आते जा रहे हैं, बट अभी ये फिक्स नहीं है कि कौन सा सुपरस्टार किस नंबर पे एंट्री मारेगा। कर्ट एंगल ने वुमेन्स रॉयल रंबल के लिए भी बताया कि उसमें भी 30 वुमेन्स पार्ट लेंगी और सेम रूल्स होंगे मेन्स रॉयल रंबल की तरह। 1 जनवरी को हुई रॉ में क्रूजरवेट चैंपियन एंजो अमोरे नहीं देखने को मिले, और शो में दिखाया भी गया कि नाया जैक्स ने अलेक्सा ब्लिस से बोला कि मैं एंजो अमोरे को देखने जा रही हूं। तो आपको बता दूं, एंजो अमोरे की तबीयत अचानक से खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटल में थे, जिसकी वजह से वो आज हुई रॉ में पार्ट नहीं ले पाए और अपनी चैंपियनशिप डिफेंड नहीं कर पाए सेड्रिक अलेक्जेंडर के खिलाफ। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है पूर्व इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन द मिस से। मिस काफी टाइम से WWE में देखे नहीं जा रहे थे, जिसके पीछे कारण था कि वो अपनी मूवीज मरीन 6 की शूटिंग में बिजी थे। आपको बता दूं, मिस के साथ इस मूवी में बेकी लिंच और शॉन माइकल भी हैं। अब अपडेट्स आ रही हैं कि मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी है और मिस नेक्स्ट वीक होने वाली रॉ में वापसी करते दिखेंगे। ये ऐलान भी 1 जनवरी को हुई रॉ में करा गया। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से और उनके कॉन्ट्रैक्ट से। जैसा कि मैंने अपनी काफी वीडियोस में बताया है कि ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट रसलमेनिया 34 के बाद खत्म हो रहा है, जिसके बाद उनके UFC में जाने की बातें सामने आ रही हैं। बट आपको बता दूं, खबरें ऐसी आ रही हैं कि ब्रॉक लेसनर अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सकते हैं WWE के साथ और वो अगस्त 2018 तक हमें दिख सकते हैं WWE में। आपको बता दें कि ब्रॉक लेसनर पे UFC ने अभी बैन लगाया हुआ है, क्योंकि वो वहां डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। लास्ट अपडेट जुड़ी है आज हुई रॉ के ऑफ एयर मैच के बारे में। जैसा कि मैं पूरी रॉ की वीडियो अपलोड कर चुका हूं, बट आज हुए शो के बाद ऑफ एयर भी मैच देखने को मिला, जो केन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच हुआ। ब्रॉक लेसनर के सेगमेंट के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रिंग में आके केन से मैच मांगा और उन्हें मैच मिला भी, और दोनों के बीच मैच देखने को मिला। इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक बार फिर केन को रिंग में चित कर दिया। पिछले हफ्ते भी हुई रॉ में हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन और केन के बीच ऑफ एयर मैच देखने को मिला था। आपको बता दूं कि ऑफ एयर मैच TV पे नहीं आते, वो केवल वहां बैठे ऑडियंस के लिए ही कराए जाते हैं। तो ये थी WWE से जुड़ी कुछ अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो दिल खोल कर लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर रनिंग पावर स्लैम चॉक स्लैम सुपरमैन पंच मार के चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।